नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज पर। मैं राहुल पांडे। टीके की कमी की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला लिया है। दरअसल अब जो है कोवैक्सीन का जो बचा हुआ डोज है उसे 18 से 44 साल के लोगों को नहीं दिया जाएगा। जो बचा हुआ डोज है वो अब 45 प्लस वालों को ही दिए जाएंगे। कोवैक्सीन के टीके की कमी की वजह से राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। सरकार की माने तो सिर्फ 3 लाख डोज जो हैं कोवैक्सीन के बचे हुए हैं, ऐसे में इस डोज को जो है 45 साल के ऊपर वालों को दी जाएगी, क्योंकि फिलहाल राज्य में 45 साल के ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनका दूसरा डोज नज़दीक आ चुका है। अगर उन्हें एक डोज देने में देरी की गई तो टीके का जो असर है वो कम हो सकता है। इसी के मद्देनज़र राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है और इसका ऐलान जो है स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने किया है। कोरोना से बचाव के टीकों की कमी के कारण महाराष्ट्र सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों को कोवैक्सीन देने पर रोक लगा दी है। मंगलवार को राज्य सरकार ने कहा है कि हमें 18 से 44 साल वालों के लिए कोवैक्सीन की 3 लाख शीशी जो है मिली है, लेकिन हम इनका इस्तेमाल 45 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए करेंगे। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य में 45 साल से ज़्यादा के 5 लाख से ज़्यादा लोगों को टीके की दूसरी खुराक का इंतज़ार है। ऐसे में अगर तय समय पर उन्हें डोज नहीं दी गई तो टीके के असरदार होने में फ़र्क पड़ सकता है। ऐसे में संकट से बचने के लिए फिलहाल 18 से 44 साल के लोगों के लिए खरीदी गई कोवैक्सीन 45 से ऊपर वालों को लगाई जाएगी। राज्य के पास बुजुर्गों को खुराक देने के लिए सिर्फ 35,000 डोज ही जो है बची है। टोपे का कहना है कि फिलहाल हमारे पास कोवैक्सीन की 35,000 खुराक ही उपलब्ध है, जबकि 45 पार आयु वाले 5 लाख लोगों को कोवैक्सीन की दूसरी खुराक देनी है। राज्य सरकार ने 18 से 44 आयु समूह के लोगों के लिए कोवैक्सीन की 2,75,000 खुराक खरीदी है, जबकि केंद्र सरकार से उन्हें मिले हैं 35,000 खुराक ही। टोपे ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा करने के बाद फैसला किया गया है कि 3 लाख खुराक 45 पार वालों को दूसरी डोज के रूप में दी जाएगी। कोविशील्ड की दूसरी खुराक भी लगभग 16 लाख नागरिकों को दी जानी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 45 पार वालों को टीका मुफ्त मुहैया कराने की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन वह टीका मुहैया नहीं करा पा रही है। केंद्र से कोविशील्ड के 16 लाख डोज मिलने हैं। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से फ़ोन पर बात हुई है, लेकिन उनके पास भी टीके की खुराक उपलब्ध नहीं है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।